वापस लो, वापस लो, वापस लो, एनआरसी सीए वापस लो, वापस लो, वापस लो, नरेंद्र मोदी हाय हाय, हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, नागरिकता संशोधन एक्ट और एनआरसी के खिलाफ अररिया में भारत बंद का मिला जुला असर देखा गया। लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया। बंद के दौरान हजारों लोग सड़क पर उतरे और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वाम दलों के भारत बंद के आह्वान पर तमाम विपक्षी दलों ने समर्थन किया और नागरिकता बिल के खिलाफ सड़क पर डटे रहे। अररिया में प्रदर्शन कर रहे लोगों का अनोखा रूप देखा गया। यहाँ पर लोगों ने सड़क पर पतीली रखकर चाय बनाई और पैदल आने जाने वाले लोगों को मुफ्त में चाय पिलाया। अभी तो अंतिम लोगों ने जो वक्तव्य दिया है और लोगों ने जो सुना है उसमें लग रहा है कि ये आंदोलन की शुरुआत है, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ। जब तक एनआरसी नागरिकता अमेंडमेंट कानून जब तक वापस नहीं होगा आंदोलन चलते रहेंगे। कल भी है, परसों भी है, तरसों भी है। आज वाम मोर्चा की तरफ से और देश के बहुत सारे एलीट क्लास की तरफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये था, कॉल था और ये ऑल इंडिया लेवल का था। तो इसमें जो एनआरसी है, एनआरसी को इस सरकार ने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर जो लखनऊ पूर्वी राज्य में किया था उसमें 19 लाख लोग एनआरसी के रजिस्टर में नहीं आए। और कुसंजोग इस सरकार के लिए था कि 5.5 लाख लोग उसमें हिंदू थे, तो इनका जो डिजाइन था उसकी सफलता नहीं मिली। तो इन्होंने अफरा तफरी में कैबिनेट में ये बिल पास करके पार्लियामेंट में डाल दिया और वो संविधान को ही बदल देने की कोशिश की और बदल भी दिया। आज का जो वाम दलों का भारत बंद का आह्वान था उसको तमाम लोगों से, विपक्षी दलों से, कैब एनआरसी विरोधी संयुक्त मोर्चा से और तमाम जो यहाँ के जनसंगठन हैं उससे समर्थन मिला। इसके फलस्वरूप हजारों लोग आज अररिया में सड़कों पर उतरे, तमाम जगह लोगों ने चक्का जाम किया, खुद ही लोग अपने घर में अपनी मोटरसाइकिलें अपनी कारें लगा दिए और उन्होंने इस भारत बंद के आह्वान को, कैब और एनआरसी को वापस लेने के लिए सरकार को एक संदेश दिया है। हमें लगता है कि सरकार को लोगों की आवाज़ सुननी चाहिए और उसे सीएए कानून को निरस्त करना चाहिए। उसके लिए पार्लियामेंट में फिर से उनको कानून बनाने की ज़रूरत है। आगे का रास्ता हम सब मिलकर तय करेंगे। अलग अलग मंच से लोग कुछ ना कुछ कार्यक्रम ले रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार इस पूरे इलाके में कोई ना कोई कार्यक्रम हो रहा है। पूर्णिया में लाखों की संख्या में लोग उतरे थे जहां कन्हैया कुमार आए थे। कल फारबिसगंज में हज़ारों की संख्या में लोग उतरे। आज पूरा भारत बंद इस पूरे इलाके में सफल रहा। मुझे उम्मीद है कि इसी तरह हम लोग आंदोलन करते जाएंगे शांतिपूर्ण तरीके से, और इस शांतिपूर्ण तरीके से जब करेंगे तो सरकार को बाध्य होकर सुनना पड़ेगा और लोगों की मांग मांगनी पड़ेगी।